कश्मीर के शूट के बाद वो नजरे मिला ना। हाँ, ये मेरा ह्यूमर था। अभी बहुत गंदा था। ठीक है, मान लेते हैं, मुझे बाद में पिटना थोड़ी है। हाय, दिस इज चांदनी। हाय, दिस इज कृषाल आहूजा। एंड वी आर डूइंग अ सेगमेंट कॉल्ड तेरी मेरी कहानी विद टेली मसाला। इट वाज वेरी प्रोफेशनल। When I met him, ये already select हो चुके थे for Ani's role. और मेरे role के लिए दो तीन options थे, तो बहुत ही professional था। I think उससे पहले हमने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की है, सीधा हम camera के सामने ही मिले। Yeah, same, I mean, यही तो था। That we are very professional. Yeah, which we are. He is a little rude, I thought at first, but then. शायद वो उन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखा था, थोड़ा वो है नहीं। तो मैं सबसे पहले थोड़ी ना किसी कंधे पे चढ़ जाऊंगा, राइट? प्रोफेशनली बात करेंगे, बट या हाँ, मुझे लगता है कि दोनों फर्स्ट मीट काफ़ी मीट में काफ़ी प्रोफेशनल थे, और सिर्फ मॉक शूट जो शूट होने वाला था उस पर हम ध्यान दे रहे थे। हाँ, अब तो जैसे आप काम करते हैं साथ में तो सब फ्रेंडली हो जाते हैं आपस में, होल कास्ट फील्स लाइक फैमिली। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग और आज की मीटिंग में बहुत फ़र्क है। कश्मीर के शूट के बाद वो नजरे मिला ना। हाँ, जो हमने फर्स्ट सॉन्ग शूट किया था अपने शो के लिए, हम कार में थे, तो आई थिंक वी बॉन्डेड ऑन दैट एंड वी वाइब्ड ओवर द सॉन्ग। या एक्चुअली टू क्वालिटीज चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। क्वेश्चंस हर टू क्वालिटीज, या शी इज वेरी, मिल ही नहीं रही है, सोचना पड़ रहा है ज्यादा, दैट शी इज वेरी सीरियस अबाउट अ क्राफ्ट and she has got a good sense of humor. He is very serious about his craft and he has got a good sense of humor. ye mera humor tha. abhi bahut ganda tha. When it comes to scene, same thing, like he is very serious about his work. He won't play around at that time. वरना पूरे टाइम मस्ती में रहेगा, लेकिन जब सीन की बात है तब ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि कोई शोर मचा रहा है या कुछ। ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड सेकंड क्वालिटी, चाइल्ड लाइक हार्ट। आई थिंक ही इज़ वेरी इनोसेंट। ही इज़ ऑलवेज बिजी ऑन हिज फोन व्हेन नॉट शूटिंग। हाँ, वैसे हमारे यहाँ सिग्नल ही थोड़ा कम आता है, बट जब भी आता है तो ही इज़ ऑन हिज फोन। एंड द सेकेंड थिंग, ही इज़ इन हिज रूम, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग इन हिज रूम। She is busy with the phone. And session है क्या? तुम्हें पता था कि एक सवाल मेरे ऊपर आने वाला है, इसलिए तुमने जवाब पहले दे दिया जो एक्चुअली तुम्हारा आंसर है। सो आई थिंक शी इज बिजी विद द फोन, दिस नॉट कॉपी पेस्ट, दिस इज एक्चुअली 24 घंटे में से आई डोंट थिंक, सेटिंग्स में जाके देख इंस्टाग्राम में कितने घंटे वो आता है ना कि कितना टाइम इंस्टा पे ये वो स्क्रीन टाइम, या एंड और एक टाइम ये क्या करती है, ये क्या करती है? तुमसे पूछा है? अच्छा, मुझसे पूछा है। नहीं पता, ये पता है मुझे। बाकी हंसी मजाक, लगता है कि ये अपने रूम में खा रही होगी। नहीं, इतनी बड़ी भूखड़ खा रही होगी, मतलब मजाक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, शायद रील्स बना रही हो, शायद सो रही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूरी कास्ट जो है वो साथ में ही रहती है। हम हार्डली, ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता जब हम अपने रूम में जाते हैं, है ना? एक्चुअली ये पहला शो है जिसमें हर कैरेक्टर्स को हमेशा लिविंग रूम में चाहिए होता है, बिकॉज सीन्स ही वैसे होते हैं। तो हम मेकअप रूम में हार्डली बैठते हैं, और हमारा ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं पर गुजरता है, फ्लोर पे ही। या यू, आर यू आंसरिंग और शुड आई आंसर? नहीं, ऐसे रेगुलर बेसिस पे कोई लेट नहीं होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है मुंबई की ट्रैफिक, यू नो अबाउट मुंबई ट्रैफिक, राइट? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभार, बट रेगुलर बेसिस पे कोई लेट नहीं होता, किसी को आदत नहीं है लेट होने की। नहीं, वो एक दिन हो जाता है, उस एक दिन को हम काफ़ी याद रखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो बट ये हमेशा नहीं होता। you. Me? Yeah, she, I mean. सेल्फी ऑल एक एजन मेरे से कंपैरेटिवली मेरे से तो ज्यादा रियली या आई मीन ठीक है, अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो शायद 1% ज्यादा हो, तो वही है। बोथ इक्वली, एज आई सेड, हमारा सिग्नल यहां बहुत कम आता है तो फोन इतना यूज होता ही नहीं। क्राई बेबी मम्मी यू, ओके ठीक है, मान लेते हैं, मुझे बाद में पिटना थोड़ी है।
Me. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. I'm savage. Me. Okay.